नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक शेयर रिसेंटली बाजार में आया है और बाजार में आने के बाद फ्लैट लिस्टिंग और उसके बाद अगर आप कल देखोगे तो इस स्टॉक में 25% की मूवमेंट कहूंगा मैं, लोएस्ट पॉइंट से 25% ऊपर आकर बंद हुआ है और ओवरऑल अगर आप मूवमेंट देखें तो 25% की है। स्टॉक का नाम है होनासा कंज्यूमर। होनासा कंज्यूमर को आप मामा अर्थ के नाम से अच्छे से जानते हैं। इस कंपनी के आईपीओ को लेकर काफी चर्चाएं हुई। इनफैक्ट इसका आईपीओ तो पिछली साल आने वाला था और कंपनी के जो मैनेजमेंट प्रमोटर्स हैं उन्होंने वैल्यूएशन रखे 24,000 करोड़ के, जिसके बाद काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, यूट्यूबर्स ने और एनालिस्ट ने इसकी आलोचना की और कही कि किस बेस पे आप 24,000 करोड़ के वैल्यूएशन मांग रहे हो। तो अगर आप देखें लास्ट ईयर से अभी तक कंपनी ने अपना आईपीओ जो लिस्ट करा वो 10,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे किया, यानी जो आईपीओ पिछले साल 24,000 करोड़ का आ रहा था इस साल वो 10,000 करोड़ पे आया, यानी 60% मार्केट तो अपने आप गायब हो गया। तो इनसे पूछा जाए अगर कि भैया ऐसा क्यों करा आपने, पिछले साल हम बेवकूफ लग रहे थे, इस साल हम कम बेवकूफ लग रहे हैं, और मतलब 10,000 करोड़ का भी ऐसा नहीं सस्ता आया, ये भी बहुत महंगा है। अगर आप कंपनी की टोटल एसेट, टोटल चीजें, प्रोडक्ट्स जो मर्जी देख लो, कुछ भी नहीं है यार, 500,000 करोड़ मुश्किल से निकल रहा है, उसके सामने 10,000 करोड़ मांग रहे हो। आपका प्रॉफिट ऊपर नीचे रहता है, आप कमाई तब करते हो जब आप प्रमोट करते हो, रिपीट कस्टमर आपका बहुत ही कमजोर है, रिपीट कस्टमर है ही नहीं। इनफैक्ट कॉम्पिटिशन आप कह रहे हो हम नेचुरल हैं, सेफ हैं, बट मार्केट में बहुत प्रोडक्ट्स हैं इस तरीके के। बट जो भी है, कल स्टॉक में बड़ा एक्शन हुआ है। पहले जरा मैं स्टॉक के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कल जो हुआ है, ध्यान दीजिएगा। होनासा कंज्यूमर्स लिमिटेड, इस स्टॉक की बात की जाए 318 के भाव पर 5% की तेजी में बंद हुआ है, लेकिन कल ये स्टॉक 293 पे ओपन हुआ था और उसके बाद शेयर ने आपके लिए 9:41 पे 256 रुपीज का लो लगाया है। 9:41 पे वहां से रिकवरी हुई और लगभग 10:21 पे, यानी 40 मिनट में शेयर रिकवर भी हो गया, 288 पे आके खड़ा हो गया। उसके बाद पूरे दिन 288 पे ट्रेड करता रहा, 11:52 पे फिर स्पाइक आया और 311 हो गया, फिर वहां से धीरे 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 नीचे आया 297 तक, और 2:40 पे फिर तेजी बनी और 322 रुपए का शेयर हो गया, डेज हाई पे बंद हुआ। इस बीच में 1.36 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। स्टॉक का जो हाई लगाया भी बीते कुछ दिनों में, 3-4 ट्रेडिंग सेशन ही हुए इस स्टॉक को बाजार में आया। एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करूं तो 7 नवंबर को बाजार में उतरा है, 340 का हाई लगाया था उसी दिन, उसके बाद इसने गिरावट दिखाई और कल इसने लो लगाया 256 का। देखिए मैं अपने व्यूअर्स से स्टिल एक ही चीज बोलूंगा, बिल्कुल इस स्टॉक में पैसा मत लगाना, चाहे कोई आपसे बोलो 500 का हो जाएगा शेयर, कोई 600 का हो जाएगा या बढ़ता दिखे भी तब भी, क्योंकि ऐसी कंपनी में पैसे लगाने का मतलब है बहुत बड़ी रिस्क कैरी करना। एक ऑफ मार्केट एक थ्योरी चलती है, ऑफ मार्केट इन द मीन जो शेयर्स बाजार में नहीं है वो भी लोगों के पास होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है ग्रेटर फूल थ्योरी चलती है, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, यानी कि मेरी कंपनी है, मेरे पास 100 शेयर्स हैं, 100 में से मैंने आपसे कहा यार थोड़े तुम ले लो, इसमें ऐसे ग्रोथ करानी है मुझे पैसे की जरूरत है, अब मैंने 20 शेयर दिए पैसे ले लिए, अब 80 मेरे पास है, 20 आपके पास है, आपने 10,000 के वैल्यूएशन पे मुझसे खरीदे 20 शेयर, अब थोड़ा आपने और ग्रो कर दिया आपके पैसे से, अब हमें फिर पैसे की जरूरत है, हम 30 दूसरे बंदे के पास गए, तो ऐसे ऐसे करके हम इन्वेस्टर्स ढूंढते रहते हैं और वो इन्वेस्टर जो भी आता है वो महंगे से महंगे वैल्यूएशन पे आता है, ठीक है जी। तो ग्रेटर फूल जो सबसे बड़ा फूल होता है वो सबसे महंगे वैल्यूएशन पे आता है, और सबसे बड़ा बेवकूफ जो होता है ना फूल वो हम होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। जब कंपनी को कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता ना तो वो आईपीओ उतारती है। अभी इस कंपनी के लिए बिल्कुल हम फूल जैसे काम करेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है यार, फिर भी 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे उतर रही है कंपनी, तो मेरे को लगता है इससे पूरी तरीके से बचें, अवॉइड करें, ये वॉलेटिलिटी, ये मूवमेंट, ये अपटेक, ये डाउन, ये सब दूर रहे। अच्छा ऐसे भी अपडेट आ रही है कि कल 18 करोड़ शेयर्स के समथिंग का कुछ सौदा भी हुआ है, तो ये 18 लाख शेयर्स का सॉरी, तो ये अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज टाइप है, बट मैं फिर भी कहूंगा ऐसे स्टॉक्स से सावधान रहे बचे। राकेश झुंझुनवाला जी कहते थे कि जोमेटो है 70 पे लिस्ट हुआ, 150 का हो गया, 5 साल बाद देखेंगे क्या होगा, 5 साल बाद तो नहीं लेकिन 1 साल बाद शेयर का भाव 40 रुपए का हुआ, आज फिर से वो 150 की तरफ जा रहा है,
तो जहां पे आपको एसेट नहीं है, वैल्यू नहीं है, काम नहीं है, जो भी नहीं है, मत खरीदो यार। कन्विक्शन है तभी लोग, तो बाजार बहुत बड़ा है, अपने पैसे को सेफ जगह निवेश करें और निवेश करने के लिए पैसा लगाएं। ऐसा नहीं है कि बस हमें गैम्बलिंग करनी है यार। होप आप लोग समझ पाए होगी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।